Good afternoon to all of you. Today's topic is, I am covering that topic is different technologies regarding science and technology. Actually, I have decided to take the class on molecular biology part 2, but because of some problem in my pen drive, now I'm not able to open that class. That's why I have started my class with the previous class section I have already taken in the class. And today in this class, I am trying to cover some portions of nanotechnology and some portions of biotechnology. In specifically biotechnology, I will discuss the topic regarding the BT cotton that is very environmentally important as well as also important for our society. So let's start with the topic. That is the first is the nanotechnology. First is the nanotechnology. What is the nanotechnology? Sometimes the term just fluctuate in our mind and we just thought, what is nanotechnology? इसका क्या मतलब है? कोई भी ऐसी चीज नैनोटेक्नोलॉजी माइंड में आती है. सबसे पहले अगर लेमैन की लैंग्वेज में बताऊँ तो हमारे माइंड में आती है नैनो कार, क्योंकि सब लोग उससे अवेयर हैं, सब लोगों ने उसे देखी है, तो इसलिए नैनो कार माइंड में आती है. तो नैनोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कोई भी टेक्नोलॉजी जो मिनिएचर है. मिनिएचर मतलब छोटा कर दो किसी भी टेक्नोलॉजी का, किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी भी चीज़ को अगर हम छोटा बना देते हैं, एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज कर देते हैं और उसकी सर्टेन सम फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, हम एक नैनोटेक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. तो नैनोटेक्नोलॉजी का मतलब अगर इसके अंदर साइज का अगर हम डिस्कस करें तो साइज जो है 1 × 10⁻⁹ मीटर, मतलब कि 1 मीटर का नोवा हिस्सा जो है वो नैनोटेक के अंदर इंक्लूड किया जाता है. ये सेकेंड जो लाइन इसमें लिखी गई कि नैनोटेक्नोलॉजी में कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूड की गई, ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस के एग्जाम के अंदर कि नैनोटेक्नोलॉजी में कितने मतलब कि डायमीटर तक की, कितने साइज तक की जो स्ट्रक्चर्स हैं, संरचनाएं हैं वो इंक्लूड की गई हैं, तो वो हमारी आती हैं 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक की. 100 से ऊपर जो भी आएंगी वो नैनोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी. तो पहला क्वेश्चन हमारा यही बिल्डअप होता है कि नैनोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन सी आती हैं जो छोटी होती हैं साइज के अंदर, नैनो बेस पे होती है, मतलब 10⁻⁹, 10⁻⁹ मीटर तक की संरचनाएं नैनो टेक्नोलॉजी में इंक्लूड की जाती हैं. और दूसरे तरीके से अगर देखा जाए ऑप्शंस में, अगर 1 से 100, 100 से 2000 तक दिया गया हो तो हमारी कौन सी संरचना आएंगी 1 से 100 नैनोमीटर तक. तीसरा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली किसको बोलते हैं, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे अणु जो होते हैं अपने आप को असेंबल करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो स्ट्रक्चर्स ली जाती है. एक हम ये बोल सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है इसका दूसरा नाम है मिनिएचर टेक्नोलॉजी. आपने सुना होगा मिनी वर्ड मतलब छोटा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मिनिएचर टेक्नोलॉजी, मतलब एक टेक्नोलॉजी का छोटा रूप जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी है. दूसरा इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग. मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, मतलब अणु लेवल पे अगर हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब कुछ बनाते हैं, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आता है. तो पहली जो स्लाइड है इसमें से दो क्वेश्चन ऐसे, जो पहली दो लाइनें हैं वो दोनों की दोनों लाइनें प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई थी. फर्स्ट तो यही कि नैनो टेक्नोलॉजी का साइज क्या है, वो है 10⁻⁹ मीटर. एंड सेकेंड क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी में कौन सी संरचना इंक्लूड की गई हैं, वो है 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक की संरचनाएँ. लेट्स स्टार्ट विद न्यू स्लाइड, दैट इज द नैनो टेक्नोलॉजी. एट द नैनो लेवल मटीरियल्स बिगिन टू डेमोन्स्ट्रेट एंटायरली न्यू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओब्वियसली आपने एक बड़ी संरचना को छोटी संरचना के अंदर चेंज किया है, बड़ी स्ट्रक्चर को छोटी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज किया है, तो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर भी यही है कि हम जो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बड़ी संरचना से बिल्कुल डिफरेंट, केमिकल मतलब रासायनिक और फिजिकल मतलब भौतिक, मतलब बड़ी संरचना की तुलना में अगर हम नैनो स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बिल्कुल ही नई भौतिक और रासायनिक जो इसकी संरचना के अंदर जो डिफरेंस आते हैं, भौतिक फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इनकी प्रवृत्ति होती है वो बिल्कुल ही बदल जाती है. क्योंकि स्ट्रक्चर का साइज छोटा हो गया तो ऑब्वियसली उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो गलनांक और इसका जो क्वथनांक वगैरह वो सारे के सारे बदल जाते हैं. उसके बाद में देखो हम बोलते हैं मटेरियल्स कैन बी स्ट्रॉन्गर, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर साइज छोटा कर दिया आपने, नैनो कार बनाई, साइज उसका छोटा कर दिया लेकिन उसको लाइटर मतलब हल्का बना दिया उसको, स्ट्रॉन्गर मतलब आपने देखा है नैनो कार इजीली कहीं भी मूव ऑन हो सकती है, लेकिन बड़े डिवाइडर वगैरह है वहाँ पे नैनो कार है वो इजीली नहीं जा सकती. तो कुछ खामियां भी हैं लेकिन ये कि इससे एक तो कम रेट ने जो टाटा ने जो कार प्रोवाइड किया इसके रेट कम है, हल्की है, इजीली मतलब जो गर्ल्स हैं जो वुमेन है वो इजीली इसको ड्राइव कर सकती है, तो मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ गई, तो इसके अंदर डिफरेंट इसके जो एग्जिबिशनल जो हम करेक्टर्स देखते हैं वो भी चेंज हो गया, मतलब हल्का हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया. और उसके अंदर कहते हैं अगर साइज छोटा हुआ तो ऑब्वियसली किसी भी नैनो पार्टिकल का जो सोल्युबिलिटी है तो वो ऑब्वियसली इंक्रीज होती है इसके अंदर.
इसके बाद में नैनो मेडिसिन, देखो आजकल जमाना नैनो टेक्नोलॉजी का, हर चीज़ में नैनो टेक्नोलॉजी एंटर हुई। आप मेडिसिन का देखो, आप टेक्सटाइल सेक्टर का देखो, आप इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें देखो, सारा का सारा क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। तो नैनो मेडिसिन के अंदर क्या हुआ कि देखो, पहले हम जो मेडिसिन लेते थे काफ़ी वो लेते, किसी भी अगर प्रॉब्लम है जनरली, जैसे आपको कोल्ड है, आपने पैरासिटामोल लिया, एजिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह ली हैं इसके अंदर, तो वो सबके लिए वन मेडिसिन फिट्स फॉर ऑल, ये फिनोमिना अभी करंटली काम करता है। मतलब अगर 10 लोगों को कोल्ड है तो 10 को 10 टेबलेट दी जाती है उसके अंदर। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी से क्या है, बिकॉज हमें मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, किसी इंसान की मॉलिकुलर स्ट्रक्चर रिवील हो रही है, रिवील मतलब एक्सपोज हो रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है इसके अंदर, आप ये देखेंगे ये नैनो रोबोट है इसके अंदर, ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और पर्टिकुलर ऑर्गन जो डिफेक्टिव है, जैसे किडनी के अंदर है या आपका पैंक्रियाज है, पेंक्रियास उसे अग्नाशय बोलते हैं, आपका आंत का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके काम करेगा। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर है। प्रोग्रामेबल नैनो मेडिसिन, इनको कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। कंप्यूटर के थ्रू जो नैनो रोबोट होता है वो आपकी बॉडी के अंदर मूव करता है, कंप्यूटर के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है इसके अंदर, और फिर जिस ऑर्गन में जाके प्रॉब्लम है वो वहीं पर जाकर काम करता है। जैसे आप इसके अंदर देख लेते हैं, दैट विल अलाउ डॉक्टर्स टू अप्रोच द ह्यूमन बॉडी एट द सेलुलर एंड मॉलिकुलर लेवल। मतलब डॉक्टर्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल लेवल तक का आपके प्रोग्राम डिजाइन कर देते हैं, जिससे जो आपके जो नैनो रोबोट जो मेडिसिन कैरी करके जा रहा है उसी ऑर्गन पर जाएगा, तो ऑब्वियसली दूसरे ऑर्गन में इफेक्ट कम होंगे, साइड इफेक्ट इसका कम होगा। सेकेंड है रिपेयरिंग वगैरह, जैसे मान लो आपकी कोई बोन ब्रेक हो गई है, आपकी ऐसी बोन जनरली जो मतलब कि आप उसके ऊपर प्लास्टर वगैरह नहीं कर सकते, हाथ या पैर के नहीं, आपके इंटरनल कोई बोन या मसल्स में हैं, तो उसका रिपेयरिंग का काम भी नैनो रोबोट कर सकते हैं कि वो मेडिसिन लेके जाएंगे, डॉक्टर्स कंप्यूटर के थ्रू ट्रैक करेंगे और वो पर्टिकुलर वहाँ पे जाके मसल्स टेंडन पे जाके वो काम करेगा इसके अंदर। ये देखिए कुछ एक नैनो रोबोट का डिपिक्शन है नैनो, इसके अंदर ये देखेंगे आप, जैसे ये कैंसर सेल्स के हैं इसमें, तो ये नैनो रोबोट जो है जाकर सीधा कैंसर सेल के ऊपर वर्क करेंगे। जनरली अभी कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, रेडिएशन दिया जाता है या कीमोथेरेपी दी जाती है, मतलब कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जनरली दो, या फिर एक सर्जरी भी ऑप्शन होता है जिसके अंदर कि हमारे बॉडी के हिस्से को उससे कैंसर सेल्स को अलग कर दिया जाता है। लेकिन सोचो अगर नैनो रोबोट होगा तो क्या इतना प्रिसाइजली, मतलब प्रिसाइज मतलब एक्यूरेटली काम करेगा कि पर्टिकुलर जाकर कैंसर सेल्स हैं उन्हीं के ऊपर रेडिएशन डालेगा। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। देखो ये नैनो रोबोट जो है बॉडी के अंदर जाके ये जो सिर्फ कैंसर सेल्स हैं उन्हीं के ऊपर अपनी रेडिएशन डाल रहा है, उनके ऊपर किरणें डाल रहा है। तो सेल आपको पता है कि रेडिएशन होते हैं उनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। अगर नैनो रोबोट की जगह हम जैसे दूसरी रेडिएशन वगैरह काम में लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि दूसरे ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट आने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर नैनो रोबोट काम करेंगे तो स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स हैं उन्हीं के ऊपर ये रेडिएशन डालेंगे, हमारी जो हेल्दी सेल्स हैं उनके ऊपर काम, ये हेल्दी सेल्स हैं उनको नहीं छेड़ेंगे। आपने देखा होगा कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं एक टाइम बाद उनके बाल झड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इनफैक्ट अब कोरोना के केस में भी यही बोला जा रहा है कि जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। रीज़न बिकॉज उनके अंदर इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हुआ, थोड़ा सा भी कोल्ड हुआ, दैट विल ऑटोमेटिकली टर्न इनटू निमोनिया एंड दैट विल कॉजिंग टू फैटल टू दैट पर्सन। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द कैंसर पेशेंट, द पेशेंट हु हैव डन द सर्जरी लेटेस्टली हैव टू मेजर प्रिकॉशंस हैव टू टेकन बाई देम। इसलिए क्या कहा जाता है कि नैनो रोबोट्स होंगे, ये क्या करेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो दूसरी सेल्स है, हेल्दी सेल्स हैं, उनको खत्म नहीं करेंगे। कैंसर में होता क्या है, देखो कैंसर के अंदर क्या होता है, कैंसर होता है कि एक सेल जो अब नॉर्मल रूप से डिवाइड होने लग जाती है। मतलब हम जो खाना खाएंगे, जो न्यूट्रिशंस लेंगे हेल्दी सेल से, स्वस्थ कोशिकाओं से छीनकर जो कैंसर सेल्स होते हैं खुद यूज करती हैं। इसीलिए क्या होता है, वो एक गुच्छे के रूप में, अगर आपने किसी की बायोप्सी रिपोर्ट वगैरह देखी हो, आप कंप्यूटर पे यूट्यूब पे देखें कि किसी का अगर पेट का कैंसर, अगर आप उसका पेट खोल के देखेंगे तो आपको रुई के गुच्छे की तरह दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या, वो कैंसर कोशिकाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, हम जो भी खाना पीना कर रहे हैं वो न्यूट्रिशन लेकर कैंसर सेल बढ़ जाती है और हेल्दी सेल्स हैं उनका खाना भी ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनकी जो इम्यूनिटी, उनकी जो ताकत, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती चली जाती है। इसीलिए जब हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी वगैरह लेते हैं तो इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो आदमी होता है उसे भूख कम लगती है, नींद कम आती है, बाल उड़ जाते हैं, फिजिकली वीक हो जाता है। तो लेकिन अगर हम नैनो रोबोट लेंगे इसके अंदर तो वो हेल्दी कोशिकाओं को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा, उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा। ये पर्टिकुलर गिन गिन के जो हमारी कैंसर सेल्स होती है उनके ऊपर उनको किल करेगा। तो ये नैनो रोबोट का मेजर फायदा है। ये एक बड़ा पिक्चर है इसका और ये स्पेसिफिक प्रोग्राम जो इसमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नैनो रोबोट को कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल करके सिर्फ और सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को मारा जा रहा है।
अब ये सर्जरी के अंदर देखो, सर्जरी अगर आपका बॉडी कोई ऐसा इंटरनल हिस्सा है जहाँ की सर्जरी करनी है, मान लो आपका छोटी आंत का बहुत छोटा सा हिस्सा है उसमें सर्जरी करनी है, डॉक्टर को कैसे पता लगेगा कि उस पर सर्जरी करनी है? वैसे तो एक्सरेज होती है, सोनोग्राफी वगैरह होती है, काफ़ी रेडिएशंस वगैरह, लेकिन अगर ऐसा कोई नैनो पार्टिकल्स हम लोग खा लें कि वो बॉडी में उसी जगह जाके चमके जहाँ पर सर्जरी करनी है, तो डॉक्टर के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप पढ़ के देखिए, इसमें इसमें कैल्शियम कैडमियम सेलेनाइड एक क्वांटम डोट्स मतलब एक नैनो पार्टिकल्स है, ग्लो वैन एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसी उसमें पेशेंट को दे दिया जाता है, और जैसे उसको यूवी बैकग्राउंड में रखेंगे तो जहां पे वो जाके चिपका है तो वो ग्लो करने लग जाए, मतलब जहां पे कैंसर है या पे जहां पे सर्जरी करनी है वो नैनो पार्टिकल्स वहीं पर जाकर चमकने लग जाएगा। सो इट विल बी इजी फॉर द डॉक्टर टू मेक टू कट दैट पोर्शन एंड इजिली विदाउट वेस्टिंग द टाइम एंड विदाउट हार्मिंग द बॉडी ऑफ द पेशेंट। द सर्जन कैन सी द ग्लोइंग ट्यूमर, मतलब जो डॉक्टर है उस ट्यूमर को चमक देखेगा एंड यूज इट एज ए गाइड फॉर मोर एक्यूरेट ट्यूमर, मतलब उसको इजीली निकाल देगा। मतलब उसमें अगर छोटी आंत का अगर 1 सेंटीमीटर का आपका ट्यूमर है तो आपको 1 सेंटीमीटर का रिमूवल करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर का रिमूवल करने के चांसेस न के बराबर होते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि वहां पे वो नैनो पार्टिकल एक जैसे आपको छोटे से जुगनू की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नैनो जैसे क्यों कैडियम सेलेनाइड का। सेकंड, ये जो नैनो पार्टिकल्स जो हेल्थ के लिए बनाए जा रहे हैं वो सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब कौन सा है, वो आसानी से हमारी बॉडी है उनको पचा लेती है, वो शरीर में ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाते जैसे प्लास्टिक हो गया या लोहा या स्टील, अगर हम कोई बटन वगैरह खा लें तो वो नुकसान पहुंचाता, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल है, सेलुलोज वगैरह के बने होते हैं। अभी 2 दिन पहले एक रिसर्च हुई है नैनोटेक के अंदर, हीमोस्टेट नाम से पुणे के साइंटिस्ट ने बनाया है। हीमोस्टेट देखो, आपने देखा होगा जब इंजरी हो जाती है, किसी के चोट लग जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस है, खून की कमी आ जाती है, खून बहुत ज़्यादा बह जाता है, मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं तो इंसान की डेथ हो जाती है, तो हीमोस्टेट एक ऐसा नैनो पार्टिकल बनाया है जो उस अगर उस इंजरी वाली जगह पर लगा दिया जाए, घाव वाली जगह, तो जो ब्लड क्लोटिंग मतलब खून का थक्का जमाने वाले जो भी प्रोटीन्स हैं उनको इकट्ठा करेगा, जिससे खून बहना कम हो जाएगा और हम किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो एक नया है रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले की न्यूज़ है, हीमोस्टेट नाम से पुणे के साइंटिस्ट ने एक नैनो पार्टिकल बनाया, उस नैनो पार्टिकल का नाम हीमोस्टेट है। तो आपका यूपीएससी इस टाइप के लेटेस्ट क्वेश्चन बहुत पूछता है कि हाल ही में एक नया नैनो पार्टिकल आया है जो कि ब्लड का थक्का जमाने में हेल्पफुल है, इंजरी के जो घाव जो उससे खून बहता उसको रोकने में सहायक है, उसका नाम क्या है, वो है हीमोस्टेट। टेक्सटाइल के अंदर मतलब कपड़ा निर्माण के अंदर इसका नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, आप देखते हैं कि जैसे अगर आप बाहर मार्केट में थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं तो आपके कपड़े ख़राब हो गए, कपड़े से मतलब अगर पसीना ज़्यादा आता है तो आपने देखा है गर्मियों में घमोरियाँ वगैरह हो जाती है, रीज़न क्योंकि पसीना आया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और उससे घमोरियाँ हो गई। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम कपड़ों को जब डाई करें, डाई इन द सेंस मतलब वाइट शर्ट बनाए अगर और येलो कलर की शर्ट है या रेड कलर की, उसको डाई के अंदर ही नैनो पार्टिकल मिला दें तो क्या होगा, जैसे ही पसीना आके जैसे ही माइक्रोब्स अटैक करेंगे वैसे ही क्या करेगा, डाई के अंदर जो नैनो पार्टिकल्स उन माइक्रोब्स को मार देंगे। कहने का मतलब आपकी जो शर्ट है वो डिसइंफेक्टेंट का काम करेंगी, आपके शरीर तक इन्फेक्शन पहुंचने से पहले बैक्टीरिया और वायरस को मार देंगी। आपकी शर्ट है उसके डाई के अंदर ही नैनो पार्टिकल्स मिला दिए जाए जब उसकी कलरिंग करते हैं शर्ट की, और उस नैनो पार्टिकल की वजह से क्या होता है कि जो भी वायरस और बैक्टीरिया हैं वो शर्ट खुद ही मार देगी, मतलब आपके शरीर से पहुंचने से पहले आपके चारों तरफ एक एंटी माइक्रोबियल एंटीवायरल दीवार की तरह काम करेगी। ये इसके अंदर है, अब आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर, डस्ट मिट्टी स्वेट पसीना एंड अदर सीक्रेशन स्टिक टू आवर क्लोथ्स, ये सारे मिट्टी पसीना ये हमारे कपड़ों से चिपकते हैं, में कॉज द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स विच विल गिव ऑफ बैड स्मेल एंड फाइनली डर्मेटाइटिस एंड अदर स्किन डिजीज, जिससे माइक्रोब्स डेवलप होते हैं पसीने और मिट्टी से, और उससे क्या आता है, एक स्मेल आती है गंदी, और थोड़े टाइम बाद में हमारे इससे स्किन इन्फेक्शन जैसे दाद हो गया, खाज खुजली वगैरह ये सब होते हैं। तो अगर इफ़ वी एड एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रोड्यूस बाई नैनो टेक्नोलॉजी, अगर हम ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो हमने नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए हैं अगर हम उस डाई के अंदर मिक्स कर दें, एंटी बैक्टीरियल एजेंट स्टिकिंग टू द क्लोथ्स विल प्ले इट्स रोल दैन एंटी बैक्टीरियल क्लोथ्स आर मेड, मतलब हमें एंटी बैक्टीरियल कपड़े बना लिए हमने, जैसे आपने देखा होगा कि हम बाहर से आते हैं हैंड वॉश धोते हैं उसे तो क्या करते हैं, हैंड वॉश क्या काम करता है, वही करता है कि वायरस और बैक्टीरिया जो हमारे हाथ में लगे हैं उनको सबको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये काम आप कपड़े करेंगे जिसकी वजह से स्किन की डिजीज होने के चांसेस कम होंगे। एक टेक्सटाइल के अंदर नई चीज़ आई है, सलवट रहित कपड़े, मतलब ऐसे कपड़े बनाए जाएंगे कि आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, एंड जो जैसे ही आप पहनते हैं सलवटें आते हैं तो ये जो डाई के अंदर नैनो पार्टिकल्स हैं ये उन सलवटों को वापस सीधा कर देंगे जैसे ही आपने कपड़ा उतार के रखा, इसका मतलब ये कि आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं करेगी। तो सलवट रहित कपड़े हैं वो भी एक नैनो टेक्नोलॉजी का नया आविष्कार है।
एक ये चिप है, ये जो ये दिखाया गया, ये उंगली का आगे वाला हिस्सा दिखाया गया है, इतना छोटा सा चिप है इसके अंदर, उसमें कहते हैं मिलियंस ऑफ डाटा स्टोर हो सकता है। तो सोचिए आप कंप्यूटर वगैरह के अंदर डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन एक टाइम बाद में हर मतलब कंप्यूटर की, पेन ड्राइव की या और कोई भी जो स्टोरेज चिप्स होते हैं, उनकी एक लिमिट होती है कि आप इतने लिमिट तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। बट ये जो माइक्रो चिप्स है, नाम से पता लगा माइक्रो चिप मतलब दैट इज़ वेरी स्मॉलर इन साइज एंड बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, तो इसमें मिलियंस ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं और इसको कैरी करना भी ईजी है। आप इसको छुपा के भी ले जा सकते हैं, मतलब अगर कोई रॉ के या स्पाइंग एजेंट है, कोई जासूसी के काम के लिए डाटा स्टोर करने के साथ में इसमें छुपा भी सकते हैं। इनफैक्ट इसको हम अपनी अंगूठी के अंदर, कान के अंदर, बाल के इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली डिफेंस के अंदर जासूसी के पर्पज़ से इनको यूज़ लिया जाता है। अब आता है कार्बन नैनो ट्यूबुल्स क्या होती है। देखो कार्बन नैनो ट्यूबुल्स कार्बन का जो है अपर रूप है, जैसे मैंने बताया डायमंड, हीरा और ग्रेफाइट दोनों के दोनों कार्बन, वैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स भी कार्बन का अपर रूप है। आपको पता है हीरा इस दुनिया में सबसे कठोर है, मतलब हीरे को तोड़ना मतलब सबसे कठोर, क्योंकि उसके अंदर कार्बन की बॉन्डिंग ऐसी होती है। जब भी आप ऐसा सुने कि सबसे कठोर चीज़ क्या है, इसका मतलब क्या है, कार्बन की बॉन्डिंग की वजह से कठोर होती है। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होती है, इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि कार्बन का ये अपर रूप तो है, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि ये स्टील से 400 गुना ज़्यादा पावरफुल है। स्टील से 400 गुना ज़्यादा पावरफुल है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब जो ताकत है वो स्टील से 400 गुना ज़्यादा है, और ये फोल्ड हो सकती है आपकी जो लकड़ी की प्लाई है उसकी तरह, मतलब इतनी फ्लेक्सिबल है और इतनी स्ट्रेंथ वाली है। तो ये कार्बन नैनो ट्यूब की ये विशेषता है। इसलिए जितने भी आजकल जो भी मोटर व्हीकल्स वगैरह बन रहे हैं और भी कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा बन रहा है जिसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, तो वहाँ पर कार्बन नैनो ट्यूब्स यूज़ की जाती है कि एक तो ताकत भी देगा और दूसरा फ्लेक्सिबल भी होगा इसमें, जो मतलब कि इसके मतलब कि इसका साइज है वो आराम से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होता है इसके अंदर बेसिकली दो टाइप की होती है, ये कोई डिटेल में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तो सिंगल लेयर मतलब एक स्तरीय, और दूसरा होता है डबल लेयर दो स्तरीय। दोनों के नोड के तहत बेसिकली इट एक्यूमुलेट्स लेयर्स इन द बॉडी हैज यूज्ड फॉर द बायोमेडिकल। जो सिंगल वॉल नैनो ट्यूब्स होती है वो ज़्यादातर मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, चिकित्सा के क्षेत्र में ज़्यादा यूज़ की जाती है। और जो डबल वॉल होती है इसके अंदर कहते हैं बेसिकली इसका जो मतलब इस डबल वॉल के अंदर प्यूरिटी ज़्यादा होती है इसके अंदर, तो ये इट एक्यूमुलेट्स मोर इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर ज़्यादा एक्यूमुलेट ज़्यादा इकट्ठी होने के इसके चांसेस होते हैं। नैनो इंजीनियर मटेरियल्स मेक सुपीरियर हाउस होल्ड प्रोडक्ट। देखो आजकल आपने देखा है जब नैनो, मैंने कहा नैनो टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में घुस गई है। आपने देखा होगा जब क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं तो अपने होठों पे भी वाइटनिंग सा लगाए रखते हैं कि होठ सूखे नहीं, गालों पे भी लगाए रखते हैं, वो भी नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इसके अलावा कुछ एंटी माइक्रोबियल, जैसे आजकल ऐसे पेस्टिसाइड आ गए हैं नैनो बेस्ड आ गए हैं कि मान लो आपने पालक लगाया है उसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है पालक में, तो नैनो पार्टिकल्स ऐसे वैसे पेस्टिसाइड डालोगे तो आपकी हो सकता है प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, बैक्टीरिया वगैरह मर जाए, लेकिन उससे हमारे शरीर में पेस्टिसाइड जाते हैं, दूसरा सॉयल मिट्टी के अंदर भी वो पेस्टिसाइड इकट्ठे होते रहते हैं। लेकिन नैनो पार्टिकल्स बेस्ड अगर हम डालते हैं उसके अंदर तो वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो मिट्टी के अंदर अपघटित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मिट्टी में भी नुकसान नहीं, हमारी बॉडी पर भी नुकसान नहीं। सो इट इज़ ए विन विन अप्रोच फॉर फार्मर्स, फॉर सोसाइटी एंड फॉर एनवायरनमेंट, अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। सेकेंड है नॉन स्ट्रक्चर सिरामिक कोटिंग। सिरामिक कोटिंग के अंदर ये देखो, अगर नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड इस टाइप की कोटिंग आ गई है कि बिल्डिंग जो हमारे मकान होते हैं, जैसे आपको पता है बहुत गर्मी, आप एसी चलाते हो, सर्दियों में ठंडे रहते हैं, तो नैनो पार्टिकल बेस्ड जो बिल्डिंग होगी उष्मारोधी, मतलब वो गर्मियों में तो ठंडी रहेंगी और सर्दियों में गर्म रहेंगी, इस टाइप की बिल्डिंग बनाने में यूज़ हो रहा है इनका। सेकेंड है नैनो पार्टिकल्स आर यूज इन कैटेलाइज टू बूस्ट केमिकल रिएक्शंस, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। आपको पता है इंडिया जो तेल खरीदता है सऊदी अरब, ईरान, इराक से, 83% जो इंडिया है इम्पोर्ट करता है, मतलब आयात करता है अपनी ज़रूरत का तेल, लेकिन वो क्रूड ऑयल होता है, हम इसको आके यहाँ पे रिफाइन करते हैं। जैसे अभी राजस्थान के अंदर पंचपदरा, बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी लगाई गई, तो रिफाइनिंग के अंदर कहते हैं कि अगर नैनो पार्टिकल बेस्ड रिफाइनर यूज़ किया जाए तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। सिल्वर नैनो क्रिस्टल्स एम्बेडेड इन बैंडेज टू किल बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। आपने एक ऐड देखी होगी लाइफ बॉय की, उसमें वो बोलते हैं कि हमने सिल्वर के चम्मच से, चांदी की चम्मच से खिलाया, क्योंकि चांदी होती है उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। पुराने ज़माने में हमारे वैद्य वगैरह जो चूर्ण बनाते थे शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए, वो चांदी मिलाते थे उसमें, चांदी की भस्म और सोने की भस्म बोलते थे उसको। तो अब अगर ऐसे नैनो पार्टिकल बैंडेज लगाते, हमारे कहीं चोट लगते, अगर उस बैंडेज में नैनो पार्टिकल्स होगा तो बैंडेज में इन्फेक्शन आने के चांसेस नहीं होंगे, मतलब वो घाव को जल्दी भरने में हेल्प करेगा। तो ये एक मेडिकल के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। नैनो पार्टिकल बेस्ड सिंथेटिक बोन। आपको पता है बोन किससे, हड्डियाँ किससे बनी, कैल्शियम से, फॉस्फेट वगैरह से बनी है, तो अगर नैनो पार्टिकल बेस्ड होंगी तो सिंथेटिक बोन बनाई जाए, मतलब उसको जो नेचुरल हमारा कैल्शियम और फॉस्फेट जो होता है उसको मिमिक करके, उसकी नकल करके सिंथेटिक बोन बनाने के अंदर।
एरोसोल लाइटेस्ट नॉन सॉलिड ड्यू टू गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज इज यूज इन स्पेस। आपको पता है जो स्पेस प्रोग्राम के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज की जाती है कि उस टेक्नोलॉजी के अंदर की मतलब सबसे हल्की, तो एरोजोल्स यूज किए, एरो जो जेल्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं और इस वजह से क्या होता है इनके स्पेस प्रोग्राम के अंदर इनको अच्छे से किया जाता है। पेपर टावल है, मैंने आपको एक टर्म बताई थी इसके अंदर, पेपर टावल के अंदर देखो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऑयल है इंपोर्ट करते हैं समुद्र के रास्ते से आ रहा है, सऊदी अरब हो गया, इराक, ईरान वगैरह जिसे कहते हैं समुद्र के रास्ते से तेल आता है, तो कई बार ऐसा होता है तेल का जो टैंकर है लीक करने लग जाता है और समुद्र में तेल फैल जाता है। तेल फैलने से क्या नुकसान होता है, तेल फैलने से ये नुकसान होता है जो जलीय जीव है, फिशेस हैं या बड़े बड़े मगरमच्छ वगैरह ये सब होते हैं, इनके जो होते हैं श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड होता है और इनकी डेथ हो जाती है। अभी थोड़े दिन पहले कौन से कंट्री के जो कोस्ट के ऊपर काफ़ी सारा तेल था, फिर काफ़ी मतलब सब इसमें सुंदरबन के डेल्टा के अंदर काफ़ी बांग्लादेश के अंदर तेल फैल गया था, कह रहे हैं कि इतनी सारी मछलियाँ थी किनारे पर आ गई थी उनकी डेथ हो गई थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि तेल का लीकेज होना स्टार्ट होता है और तेल एक ऐसी परत बना देता है जिससे न तो इसमें क्या ऑक्सीजन है वो जलीय जीवों तक नहीं पहुंच पाती, जो मैराइन लाइफ है वो अफेक्टेड होती है। तो पेपर टावल एक ऐसी चीज़ है कि अगर पेपर टावल क्या करती सारा का सारा जो पोल्यूशन है डीजल पेट्रोल का या और भी कोई पोल्यूशन है तो वो सारा का सारा सोख लेती है, तो हमारी जो वाटर बॉडी है उसको क्लीन करने के यूज़ में आता है, बायोडिग्रेडेबल होता है ये भी, एनवायरमेंटली क्लीन होता है, सेफ होता है पेपर टावल। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि पेपर टावल जो टर्म है वो किससे रिगार्डिंग है, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और वो किस लिए करता है ऑयल स्पिल्स मतलब तेल की जो जो हमारी परत बन जाती है समुद्र के अंदर लीकेज से, उस तेल की परत को ख़त्म करने के लिए जलीय जीवों को बचाने के लिए। इसके बाद है नैनो टेक्नोलॉजी मिशन इन इंडिया। देखो नैनो टेक मिशन था इंडिया में 2007 में, 2007 से पहले इन्फेंसी के स्टेज में था, इन्फेंसी मतलब स्टार्टिंग के स्टेज में था, बिल्कुल अपने पीक पे नहीं था। 2007 में नैनो टेक की इंपॉर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन लॉन्च किया। नैनोटेक इसमें मिशन में क्या था, इसमें तीन ऑब्जेक्टिव रखे थे। आरएस मेंस में अगर पांच नंबर का आता है नैनो टेक्नोलॉजी मिशन क्या है तो उसके अंदर आपको यही तीन पॉइंट लिखने हैं। पहली बात तो सीधी सी बात है, जब भी कोई मिशन लॉन्च किया जाता है तो उसका ये होता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, मतलब हमारे पास लेबोरेटरी होनी चाहिए अच्छी, डिफरेंट मशीन्स होनी चाहिए जिससे हम नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ एप्लीकेशन बना सकें। सेकेंड मान लो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें साइंटिस्ट चाहिए नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर, तो बीएससी एमएससी पीएचडी वगैरह करवाए जाए ताकि स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो आगे चलकर नैनोटेक के अंदर कुछ कर सके। और तीसरा है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कहने का मतलब हमारी कंट्री में जो रिसर्च हो रही है नैनोटेक में, फॉरेन कंट्रीज में रिसर्च हो रही है, उनका आपस में कोलैबोरेट करें, मतलब हम बताएं हमारे ये काम हो रहा है, आप बताएं आपके क्या काम हो रहा है, तो इससे नैनोटेक में प्रोग्रेस होती है। और यही रीजन है कि इंडिया ने ईयू मतलब यूरोपियन जो यूनियन है, आपने नाम सुना होगा, पहले तो 28 कंट्रीज का एक ग्रुप था और अब 31 जनवरी 2020 को इंग्लैंड निकल गया, ब्रेग्जिट बन गया, तो 27 जो नेशंस हैं उनका ग्रुप है ईयू, उसके साथ में हमने नैनोटेक में हमने एक डील साइन की है रिगार्डिंग द रिसर्च ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे आगे जो अभी करंटली इंस्टीट्यूट है वो आईआईटी बॉम्बे है जो नैनोटेक में काम कर रहा है, और सेकेंड एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी जो मोहाली चंडीगढ़ में है। अभी जनवरी के महीने में आई थिंक एक कॉन्फ्रेंस हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नैनो टेक्नोलॉजी की कलकत्ता के अंदर हुई है। इंडिया वर्ल्ड में थर्ड रैंक पे है नैनोटेक में रिसर्च के मामले में, इसकी जो नई साइंटिफिक जो इसकी प्रोग्रेस हुई है उसमें थर्ड रैंक है, मतलब टॉप 5 कंट्रीज में है। और इंडिया में मेनली रिसर्च किस में हुई है नैनो टेक्नोलॉजी, एक तो आप देखा होगा हमारे कंट्री में आर्सेनिक और फ्लोराइड बहुत है पानी के अंदर, फ्लोराइड राजस्थान के अंदर ही बहुत है और आर्सेनिक अभी कभी करंटली वेस्ट बंगाल में बहुत मिला है। फ्लोराइड से क्या होता है आपको पता है, दांत और हड्डियाँ वगैरह ये सब गल जाती हैं, और आर्सेनिक जो होता है उससे ब्लैक फूड डिजीज होती है, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं काला पैर की प्रॉब्लम, उससे भी इंसान की डेथ हो जाती है। तो आर्सेनिक और फ्लोराइड मतलब हैवी मेटल्स भारी धातुएं जो हमारे पीने वाले पानी में मिली है उनका रिमूवल करने के लिए काफ़ी टेक्नोलॉजी, मतलब पानी को शुद्ध करने से रिलेटेड हमारी नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रोग्रेस की हुई है। इसके अलावा हमारा टेक्सटाइल सेक्टर में, हमारा मेडिसिन के सेक्टर में अभी इतना डेवलप नहीं हो पाया। इसके बाद में दिस इज अ जोक ऑन नैनो टेक्नोलॉजी कि एक स्टूडेंट है वो पूछ रहा है अपने टीचर से, सर वेयर इज द नैनोटेक टीचर, नैनोटेक टीचर कहाँ है मेरा, यू आर स्टैंडिंग ऑन हिम सन, वो टीचर दूसरा टीचर ये बोलता है कि आप उसके ऊपर खड़े हो। सो दिस इज अ जोक अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी कि स्टूडेंट इतनी नैनो टेक प्रोग्रेस कर गई कि टीचर भी इतना छोटा हो गया कि वो दिखाई नहीं दे रहा है।
सो दिस इज ए द नेक्स्ट बिग थिंग इज रियली स्मॉल, कहने का ये टर्म यूज की जाती है नैनो टेक्नोलॉजी की, आने वाले टाइम में इतनी बड़ी बड़ी चीजें होंगी लेकिन वो सब छोटी होंगी, बड़ी मतलब उनका जो काम होगा वो बहुत बड़ा होगा लेकिन साइज होगा वो बहुत ही छोटा होगा इसके अंदर। डिसएडवांटेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, देखो इतनी देर से हम लोग एडवांटेज फायदे पढ़ रहे थे किसी टेक्नोलॉजी के, लेकिन आप लोगों को पता है कि हर टेक्नोलॉजी होती है वो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऑन द वन हैंड इट हैज़ सम एडवांटेज, ऑन द अदर हैंड इट हैज़ सम डिसएडवांटेज, सम नेचुरल हार्मफुल इफेक्ट। सो हम डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। पहला डिसएडवांटेज क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। आप देखिए अगर नैनो टेक्नोलॉजी मार्केट में आती जो ट्रेडिशनल है, कई बार आपने सुना होगा इंजीनियरिंग बच्चों ने इतनी की है लेकिन जॉब नहीं मिली, रीजन क्या है उसका, क्योंकि जो हाईटेक कंपनी इंफोसिस हो गया, टीसीएस वगैरह, उनको जिस टाइप के कैलिबर वाले बच्चे चाहिए वो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज वाले प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसके लेवल की स्किल नहीं मिल पा रही। यही काम नैनो टेक्नोलॉजी में होगा कि अगर नैनोटेक आ गई मार्केट में हर फील्ड में, तो जो ट्रेडिशनल, जो हमारे कन्वेंशनल, जो देसी तरीके से जो कुछ काम हो रहा था वो सारे के सारे वर्कर्स आउट हो जाएंगे मार्केट से, तो इकोनॉमी के ऊपर एक लार्ज पॉपुलेशन है वो जॉबलेस हो जाएगी। तो सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट तो यही है कि एकदम से अगर इस नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो अगर मार्केट में कुछ इन्वेंशंस होती हैं, तो आपने देखा ड्राइवरलेस कारें आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत जमाना है, तो अब वेटर्स हैं उनकी जगह रोबोट ले रहे हैं, जापान के अंदर बहुत सारे वेटर्स हैं उनकी जगह रोबोट ने ले लिए, तो वेटर्स की जॉब चलेगी। ड्राइवरलेस कारें हैं तो ड्राइवर की जरूरत कम होगी, सऊदी अरब वगैरह कंट्रीज वगैरह हैं ये लाने के प्रयास में हैं, क्योंकि वहाँ पे ये है कि लेडीज़ अगर बाहर जाते हैं तो आपकी फैमिली के किसी बंदे के साथ जाओ, बाहर के बंदे के साथ अलाउ नहीं करते सऊदी अरब में, तो ड्राइवरलेस कार है तो सोचो वहाँ ड्राइवर्स की जॉब कितनी चली जाएगी। कहने का मतलब है कि जब भी कोई मार्केट में नई टेक्निक आती है तो पुरानी टेक्निक एकदम से पुरानी टेक्निक में बेस्ड जो चीज़ें होती है वो थोड़ा आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड क्या है, मटीरियल्स विच बाई देमसेल्वेज आर नॉट वेरी हार्मफुल कुड बी टॉक्सिक। नैनो पार्टिकल मतलब साइज छोटा हो गया, आपने कई बार न्यूज़ में पढ़ा है कि दिल्ली के अंदर पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 है उसका लेवल इतना बढ़ गया, लखनऊ में इतना है, जयपुर में, जोधपुर में, क्या है ये पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर बेसिकली एक नैनो पार्टिकल है, मतलब बहुत छोटे साइज का पार्टिकल है। दो टाइप के होते हैं आपने सुना होगा, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10। 2.5 का साइज छोटा और 10 का साइज बड़ा होता है। तो देखो जितना छोटा साइज होगा किसी भी पोल्यूशन का, किसी भी प्रदूषणकारी एजेंट का, जितना भी छोटा साइज होगा उसका उतना इजीली हम लोग सांस के थ्रू हमारे अंदर जाएगा। आपको पता है बड़ा साइज होगा तो उसको जाने में प्रॉब्लम होगा, हमारे जो नाक में भी बाल होते हैं, हमारी श्वास नली होती है उसमें भी अवरोधक होते हैं, लेकिन अगर छोटा साइज होगा तो इजीली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू लंग्स में, फेफड़ों तक पहुंचता है। तो सबसे बड़ा दूसरा नेगेटिव इफेक्ट ये है कि हमारे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफेक्ट करता है। जितना नैनो साइज छोटा होगा तो ये जो प्रदूषणकारी एजेंट होंगे वो हमारे सांस के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं मटेरियल्स विच बाई देमसेल्वेज आर नॉट वेरी हार्मफुल कुड बी टॉक्सिक इफ दे आर इनहेल्ड इन द फॉर्म ऑफ नैनो। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो नुकसानदायक नहीं है लेकिन अगर उनका साइज छोटा कर दिया जाए तो वो हमारे सांस के थ्रू अंदर जाएंगे। द पल्मोनरी इंजरी एंड इन्फ्लामेशन, पल्मोनरी का मतलब होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला जो तंत्र होता है उसके थ्रू क्या होता है, ये हमारे नैनो साइज अर्बन, देखो इसमें लिख दिया पार्टिकुलेट मैटर, इसमें इंक्लूड किया गया पार्टिकुलेट मैटर, मतलब जो हमारे सांस के थ्रू अंदर जाएंगे और हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। तीसरा नैनो वेपन्स, आजकल का जमाना जो है ये स्मार्ट हथियारों का है। कोई पुराने ज़माने से पहले इंसान लड़ते थे लाठियों से, तलवारों से, उसके बाद बॉम्ब आए थे और अब कह रहे हैं कि नए हथियार, जैसे कोरोना वायरस के लिए भी ये एक मतलब कि ये एक र्यूमर था, अफवाह थी या जो भी सच था कि ये भी एक जैविक हथियार का तरीका है, जैसे कि एंथ्रेक्स वायरस, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया को यूज़ किया था USA ने एक बार, तो उस तरीके से कह रहे हैं कि कोरोना वायरस भी एक टाइप का हथियार है एक पॉपुलेशन को, एक सभ्यता को ख़त्म करने के लिए। और चाइना के अंदर ये बना था ये हथियार और उस लेबोरेटरी से ये एक्सीडेंटली लीक हो गया, इस वजह से ये इतने लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया इसने। तो आगे आने वाले टाइम में ऐसे हथियार होंगे जो दिखाई नहीं देंगे लेकिन इनके पास इतनी पावर होगी कि एक पूरा का पूरा कंट्री खत्म हो सकता है। तो नैनो वेपन्स क्योंकि साइज इतना छोटा है इजिली एक कंट्री से एक देश के बॉर्डर को पास करके दूसरे देश के बॉर्डर में जा सकते हैं ये, और हथियार एक सभ्यता को नष्ट कर सकते हैं हथियार। सेकेंड है प्राइवेसी इन्वेजन, मैंने आपको नैनो चिप दिखाई थी लास्ट स्लाइड के अंदर, इतने छोटे छोटे नैनो बेस्ड कैमराज बन चुके कि आप शर्ट की बटन में, आप कान की बाली में, आप रिंग में लगा सकते हो नैनो वेपन्स, नैनो बेस्ड कैमराज वगैरह। तो अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनकी जासूसी की जा सकती है इनको यूज़ करके, तो कोई भी अगर कंट्री हमारे एनिमी कंट्री है, एनिमी एलियंस है, वो इनका मिसयूज़ कर सकते हैं कि हमारे छोटे छोटे हथियार बना के या फिर छोटे छोटे कैमराज बना के।
इसके बाद में है द माइक। अब जिक्र नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस आता है कि नैनो टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में एक हमारे बून और बेन, मतलब अभिशाप भी है और वरदान भी है, इसके ऊपर लिखो, कमेंट्स लिखो। तो जब भी आपका एग्जाम में साइंस के ऊपर या किसी भी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन पूछे जाता है, पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह के अंदर, कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि इसकी अच्छाई भी बताओ और बुराई भी बताओ, उसके बाद में आप उस आंसर को बिल्कुल ऐसे छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद लास्ट की दो लाइन होती है कंक्लूजन के रूप में लिखनी, बहुत ज़रूरी होती है, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे इसमें लिखी हुई है, द माइक्रोस्कोपिक साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स इज ए गिफ्ट ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड इट कैन बी डेंजरियस। मतलब नैनो पार्टिकल का एक छोटा सा साइज है एक हाथ में, तो एक तरफ तो ये बहुत हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। हार्मफुल कैसे? एक तो गलत हाथ, अगर हाथों में चला गया, ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वेपन्स अगर गलत हाथों में चले गए तो इसके काफ़ी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज या फिर इसके बहुत सारे खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। ये लिखा भी है इसके अंदर, वाइल द टेक्नोलॉजी होल्ड इमेंस पोटेंशियल, इमेंस पोटेंशियल का मतलब बहुत संभावनाएं हैं इसके अंदर, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ कॉशन, मतलब बहुत हमें प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है इसको हैंडल करते हुए, इन द रॉन्ग हैंड्स इट्स इम्प्लीकेशन कुड बी डेंजरस, अगर ये गलत हाथों में चलेगी ये टेक्नोलॉजी तो इसे काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। जैसे आपने इंटरनेट के देखे, इसे इंटरनेट के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, ये हम पर है कि हम उसको किस तरीके से यूज़ लेते हैं। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर इस टाइप सा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, इस नैनो टेक्नोलॉजी बून और बेन, बून का मतलब होता है आशीर्वाद, बेन का मतलब अभिशाप। तो क्या हमारी सोसाइटी के लिए नैनो टेक्नोलॉजी एक अभिशाप है या वरदान है, इस पर लिखिए। या व्हाट कुड बी द फ्यूचर एप्लीकेशन और आउटकम, फ्यूचर के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है इस टाइप से। तो ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन हमारी थी वो नैनो टेक्नोलॉजी पर थी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो बीटी कॉटन करेंगे, बीटी कपास, इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर 90% जो कपास या कॉटन हो रही है वो बीटी कॉटन हो रही है, और हमारा इससे एक आम नागरिक भी अफेक्टेड है, हमारा किसान भी अफेक्टेड है, और हमारी जो अदर जो बिजनेस लोग भी है वो भी अफेक्टेड है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बीटी कॉटन के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स में, इसमें एसएससी में और आरपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, बीटी कॉटन में बीटी से क्या अभिप्राय है। तो बीटी है बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, और ये मिट्टी में पाया जाने वाला कीड़ा है। ये कौन सा कीड़ा है? मिट्टी में पाया जाने वाला कीड़ा है, और ये ग्राम पॉजिटिव है। दो टाइप के कीड़े होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो कीड़े होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव टाइप का कीड़ा है। सेकेंड है बीटी है, जो जब भी बीटी के अंदर हमने क्या किया, बीटी कॉटन का जो बेसिक फंडा है वो यही किया है कि हमने बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, मतलब एक सॉइल में मिलने वाला कीड़ा है, और उस कीड़े से हमने जीन निकाली और वो हमने कपास के पौधे में डाल दी। तो कपास के पौधे में स्पेसिफिकली तीन जो जीनस हैं, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा, इन तीन जीनस के जो भी कीटाणु होंगे जैसे ही वो कपास के पौधे के ऊपर खाना स्टार्ट करेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमारे कपास की फसल है उसके अंदर, मतलब कि उसका नुकसान नहीं होगा। आपको पता है इंडिया के अंदर बीटी कॉटन 2002 में आई, और करंटली 2020 में 18 साल बाद ये कंडीशन है कि हमारे आज के दिन जो कॉटन ग्रो हो रही है, कपास उग रही है, वो 90% क्या है, बीटी कॉटन है। मतलब बीटी कॉटन एक ऐसी कॉटन की वैरायटी है जो हमें कुछ कीड़ों के अगेंस्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता दिखाती है। कॉटन की कपास है, कॉटन जो है कपास है वो अपने आप को इन कीड़ों से बचाने का काम करती है, क्योंकि जैसे ही ये कीड़े कॉटन को खाएंगे उन कीड़ों की डेथ हो जाएगी। तो मतलब कि हमें बाहर से जो हम पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कते थे वो कम छिड़कने पड़ेंगे कपास के अंदर, क्योंकि हमने अंदर ही उस कपास के पौधे में एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो उन कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता दिखाएगा। तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर, बीटी कॉटन इज ए ट्रांसजेनिक और जीएमओ। जब भी हम ये बात करें कि जीएमओ क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या ट्रांसजेनिक है, ट्रांस मतलब दूसरा और जेनिक मतलब जीन, हमने दूसरे से लेकर कोई जीन डाली तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक। तो ट्रांसजेनिक सिर्फ बीटी कॉटन ही नहीं है, इसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज, बीटी कॉर्न आ गया हमारा, बीटी बैंगन आ गया, सारे के सारे कहते हैं। जब भी जीन हम एक पौधे से उठाकर दूसरे पौधे में, एक जीवाणु से उठा के दूसरे जीवाणु में, या एक जीवाणु से दूसरे पौधे में, मतलब जीन का जो भी हेर फेर करेंगे वो सारे के सारे प्लांट क्या कहलाएंगे, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और हिंदी में बोलना चाहेंगे तो इसको अनुवांशिकीय रूपांतरित फसल। तो अभी अभी एलडीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर, कि जो 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 जीन ट्रांसफर करके जो पौधे बनाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, या बोलते हैं इसके अंदर अनुवांशिकीय रूपांतरित फसलें। एंड इंडिविजुअल एंड विच इज डेवलप्ड बाय टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये जो भी जीन का हेर फेर करके हमने जो जीएमओ बनाए हैं, तो इस सब्जेक्ट को जो पढ़ते हैं तो कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने सुना हो कुछ बच्चे जेनेटिक इंजीनियरिंग पीएचडी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, उनका सारा काम जीन लेवल पे होता है, वो ऐसी ही कोई नई वेराइटी डेवलप करते हैं।
इज रेफर्ड टू ट्रांसजेनिक इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक, जीएमओ है उन्हीं को ट्रांसजेनिक बोलते हैं या ट्रांसजेनिक को ही जीएमओ बोलते थे। इसके अंदर ए ट्रांसजेनिक मे बी प्लांट, मतलब कोई किसी प्लांट में भी हो सकता है, पौधे में भी हो सकता है, किसी एनिमल में भी, जंतु में भी हो सकता है, और किसी जीवाणु की बात करें तो उसमें भी यही हो सकता है। इसके बात करते हैं दिस फॉरेन जीन फॉर्म क्रिस्ट, एक्चुअली क्या करता है ये जो हमने बीटी जीन जो ली है, जो ग्राम पॉजिटिव सॉइल बैक्टीरियम से ली है, ये क्या करती है उस पौधे के अंदर जाके प्रोटीन फॉर्मेशन करती है, क्राई प्रोटीन बोलते हैं। क्राई नाम कैसे पड़ा, क्राई का मतलब होता है क्रिस्टलाइन, मतलब क्रिस्टल की जैसी स्ट्रक्चर होती है, आपने क्रिस्टल देखा होगा उसकी जैसी स्ट्रक्चर होती है, क्राई कहते हैं प्रोटीन। और ये स्टमक पॉइजन होता है, स्टमक पॉइजन मतलब पेट का जहर होता है। जैसे ही वो कीड़ा खाता है इसके अंदर, उस कीड़े की आंत के अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और उसमें से सारे क्या लवण, सॉल्ट, मिनरल वाटर, ये सारे के सारे बाहर निकलते हैं। जैसे आपने सुना होगा बच्चों के उल्टी दस्त होते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर्स, यही कि ORS पिलाओ, नमक का घोल पिलाओ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पानी की और सॉल्ट की कमी हो गई है। सिंपल, अगर ORS नहीं है तो नमक का घोल पिला दो, नींबू पानी पिला दो बच्चे को, तो इसका मतलब उसमें सॉल्ट की कमी, नमक की कमी पूरी हो जाएगी। तो इस बैक्टीरिया के अंदर भी यही होता है, ये जो मतलब कि जैसे ही ये इंसेक्ट होता है, कीड़े खाते हैं फसल को, वैसे क्या करते हैं उसका जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन उनके शरीर में जाती है, आंत में छेद कर देती है और जितना भी पानी और लवण वगैरह निकलते हैं, कहने का मतलब इस कीट के अंदर जो होता है मिनरल्स का लॉस हो जाता है, लवणों का नुकसान हो जाता है और कीट की डेथ हो जाती है। आप पढ़ के देखेंगे, देखो बीटी टॉक्सिन इज इंसेक्टिसाइड कॉटन बुलवॉर्म, ये कॉटन बुलवॉर्म क्या है, ये स्पेशल कीड़ा जो कॉटन को, कपास को खाता है। कॉटन बुलवॉर्म वो स्पेशल कीड़ा है जो कपास को खाता है और बीटी कॉटन इसी के अगेंस्ट बनाई गई है। तो सबसे पहले देखेंगे इंसेक्ट स्टॉप फीडिंग विद इन 2 आवर्स, जैसे ही एक बाइट मतलब एक टुकड़ा ही उसको कॉटन को खाता है, वैसे ही उसके अंदर 2 घंटे तक वो कुछ नहीं खा पाता, उसके ऐसी कीड़े की हालत हो जाती है। और अगर उसने थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो 2-3 दिन तक कुछ नहीं खाता और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है, मतलब उसकी शरीर से क्या लवणों का नुकसान हो जाता है। इन 2002 बीटी कॉटन वाज इंट्रोड्यूस। बीटी कॉटन को वैसे तो मोनसेंटो है USA के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है, जो जितने भी GMOs हैं, जितने भी ट्रांसजेनिक हैं, वो मोनसेंटो कंपनी बना रही है, तो लेकिन बीटी कॉटन है वो भी उसी ने बनाई है। और इंडिया के अंदर 2002 के अंदर ये आई थी, USA वगैरह में पहली थी इसके अंदर। और इंडिया के अंदर कैसे, मोनसेंटो कंपनी है वो उसने महको को डिलीवर की। महको महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ी सीड कंपनी है, सबसे बड़ी बीज कंपनी है, जो कि लोकल किसानों को, लोकल के थ्रू फार्मर्स को देने का काम करती है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को। हम अगर बीटी कॉटन के ऊपर अगर आपका 5 नंबर का कमेंट्स का आता है, तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ता है कि बीटी कॉटन जो है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, अनुवांशिकी रूपांतरित फसल है, जिसके अंदर हम सॉइल बैक्टीरियम मतलब कि बेसिलस थुरिंजेनेसिस होता है उससे जीन निकाल कर डालते हैं, इसलिए इसको ट्रांसजेनिक क्रॉप कहते हैं। और ये जो जीन होती है अंदर जाकर कॉटन के अंदर क्रिस्टलाइन प्रोटीन, क्राई प्रोटीन बनाती है, और जैसे ही वो कीड़ा इसको खाता है वैसे उस कीड़े के अंदर जो लवणों का नुकसान हो जाता है, उसकी आंत में छेद हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली एक हमने कपास की फसल के अंदर एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि ऊपर से पेस्टिसाइड कम डालने पड़े। देखो ये इसका पूरा डायग्राम है कि वो कीड़ा कैसे खाता है, किस तरीके से। देखो बेसिलस थुरिंजेनेसिस, ये जो कीड़ा है मिट्टी के अंदर मिलता है, ये हमारी कपास की फसल है और कपास के अंदर जो हमारे ऊपर कॉटन लगी हुई है, तो जैसे ही ये कीड़ा खाता है इसके अंदर, तो इस कीड़े की देखो आप देखोगे आंत, ये जो आंत के अंदर जाता है, आंत के अंदर वाली संरचना ये सारी है। इसके आंत के अंदर क्या होता है, जैसे ये टॉक्सिन मतलब जहर है ये बाइंड होता है और उसके छेद हो जाते हैं आंत में छोटे छोटे, ये देखो छेद हो जाते हैं इसके अंदर, और उसके जैसे ऑस्मोटिक सेल लाइसिस का मतलब यही होता है हिंदी में बोले कि लवणों का इसमें नुकसान हो जाता है और उसकी सेल डेथ मतलब कि उस कोशिका की डेथ हो जाती है। मतलब पहले कीड़े ने खाया, उसके आंत में छोटे छोटे टॉक्सिन्स होते हैं, उसकी जो कहते हैं सेल रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ में जाके बाइंड करते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं उनको साइंस के टर्म में, आप लोगों को इतना डीप में याद करने की जरूरत नहीं है, ये इसके साथ में बाइंड होते हैं और उसके बाद में इंसर्शन होने की वजह से उसका सेल लाइसिस हो जाता है, मतलब सेल की डेथ हो जाती है। एक डायग्राम और अगर आप अच्छे से देखना चाहिए, ये हमारे कॉटन की क्रॉप है, कॉटन मतलब कपास का पौधा है, जैसे ही इसके ऊपर ये कॉटन बुलवॉर्म जो बैक्टीरिया आता है, कॉटन बुलवॉर्म इसके ऊपर आएगा और इसने जैसे ही प्रोटीन को खाया, इसकी आंत में ये वाले काम होते हैं, आंत का छोटा सा हिस्सा ये लिया गया, देखो ये जहर है, इसके रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड हुआ, ये जहर जो है तो इस तरह डेथ हो जाती है। ये है अमेरिकन बुलवॉर्म, अमेरिकन बुलवॉर्म का मतलब है बुलवॉर्म जो कॉटन को नुकसान पहुंचाता है, कपास को नुकसान पहुंचाता है। और अमेरिकन बुलवॉर्म का मतलब क्या हुआ, ये अमेरिका के अंदर मिल कपास की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला पौधा है। इसके बाद में हम बात करते हैं पिंक बुलवॉर्म, पिंक बुलवॉर्म भी एक उसी की बुलवॉर्म की वैरायटी है जो हमारे इंडिया के अंदर बहुतायत से पाई जाती है। और आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये कॉटन है वाइट रंग की और इस कॉटन को खाने का काम कर रहा है।
बीटी कॉटन जो है वो इन्हीं बुलवॉर्म के अगेंस्ट काम करती है, चाहे वो अमेरिकन बुलवॉर्म हो, चाहे वो जो पिंक बुलवॉर्म हो, इसका जो एक कॉमन नाम है वो बुलवॉर्म नाम है। इसके बाद में एडवांटेज ऑफ बीटी कॉटन, देखो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला बड़ा फ़ायदा तो यही है हमारे पास में कि इससे हमारा प्रोडक्शन काफ़ी हाई होगा, मतलब इससे हमारा, सीधी सी बात है, पहले हमारे जो होता था कॉटन जो बुलवॉर्म है, जो बैक्टीरिया है, जो इतना इन्फेक्शन कर देता था, जो इंसेक्ट है, कीड़ा है, वो इतना इन्फेक्शन कर देता था कि कपास की फसल होता है उसका नुकसान होता था। तो अब प्रोडक्शन काफ़ी हाई है इसके अंदर। सेकेंड है लेस नीड ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। ऑब्वियसली अगर हमने इनबिल्ट एक ऐसी व्यवस्था कर दी तो हमारे पास में क्या होता है, पेस्टिसाइड वगैरह हमें कम डालने पड़ेंगे। तीसरा ये, अगर पेस्टिसाइड अगर हम कम डालेंगे तो सोचो किसानों की तो बचत होगी पैसों की, उन्हें बार बार पेस्टिसाइड छिड़कनी पड़े। हमारा जो एनवायरनमेंट या हमारा क्लाइमेट है वो भी शुद्ध रहेगा, क्योंकि आपको पता है पेस्टिसाइड से ना केवल हमारी धरती प्रदूषित हो रही बल्कि हमारी हवा और उसमें जो हमारा पानी, वाटर बॉडीज, हमारा एयर पॉल्यूशन वगैरह सबका रीज़न पेस्टिसाइड जो है। फोर्थ है इसके अंदर मोर प्रॉफिट। ऑब्वियसली अगर आप पेस्टिसाइड कम छिड़कते हो तो आपका मतलब कि इकोनॉमिकली तो आप फायदे में रहते ही हो, इसके अलावा सोशली भी, आपकी अगर हवा पानी सब शुद्ध है तो आप सोशली प्रॉफिट में रहते हो। बेटर क्वालिटीज, बीटी कॉटन इज़ बेटर देन नॉर्मल क्वालिटीज एंड नॉर्मल वाइल्ड क्वालिटीज। एंड सेकेंड एंड नॉन टॉक्सिक टू नॉन टारगेटेड स्पीसीज। मैंने कहा था बीटी कॉटन जो होता है, तीन जो इंसेक्ट होती हैं, जीनस होते हैं, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा, इनके अगेंस्ट मेनली क्या होता है काम करते हैं ये, जो दूसरे किसानों के जो अच्छे दोस्त होते हैं जैसे केंचुआ हो गए या दूसरे फ्लाई वगैरह जो होते हैं उनको नुकसान पहुँचाने का काम नहीं करता। अब उसके बाद में डिसएडवांटेज, मतलब नुकसान क्या क्या चीज़ें हैं, वही जैसे नैनोटेक में भी हर टेक्निक में होता है कि दे आर द टू साइड ऑफ वन कॉइन, मतलब एक तरफ नुकसान है दूसरी तरफ फायदा है। तो पहला नुकसान तो है वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। आपको पता है करंटली जो कॉटन ग्रो कर रही है 90% है वो बीटी कॉटन के रूप में, बीटी कपास के रूप में, तो 10% बची जो वाइल्ड वेराइटीज़ है। लेकिन इससे क्या, वाइल्ड वेराइटीज़ का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमने जो वाइल्ड वेराइटीज़ का जो एरिया होना चाहिए था, जियोग्राफिकल जो एरिया होना चाहिए था, वो किसका एरिया हुआ है, वो उसका हमारा बीटी कॉटन के रूप में एरिया हुआ है। तो मतलब जैव विविधता का नुकसान है, और जैव विविधता का नुकसान होने से क्या होता है, एक बार इट आइसलैंड में वहाँ पे जो आलू उगाया जाता था तो एक बार पूरी की पूरी आलू की फसल नष्ट हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही वैरायटी उग रही थी और उसकी वजह से एक बड़ा वहाँ पे अकाल पड़ गया था, बड़ा फेमाइन था रीज़न। और वो यही था कि वो जेनेटिकली जो क्रॉप थी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी, तो उसकी वाइल्ड वैरायटी नहीं थी, कोई नया वायरस इन्फेक्शन आएगा तो पूरी की पूरी फसल है वो ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड है हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर। देखो दो टाइप के जीन ट्रांसफर होते हैं, तो वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। वर्टिकल मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, और हॉरिजेंटल मतलब एक जाति से दूसरी जाति के अंदर। देखो हमने बीटी कॉटन के अंदर एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि पेस्टिसाइड ना छिड़कने पड़े और वो इंसेक्ट हैं अपने आप मर जाए उसको खाते। अगर क्या हो, अगर खरपतवार मतलब वीड्स, खरपतवार के अंदर ये जीन ट्रांसफर होगी तो हमारे जो कहते हैं खरपतवार होंगी वो उनके लिए प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी, और उससे क्या होगा, सुपर वीड का फॉर्मेशन, मतलब कि सुपर खरपतवार का फॉर्मेशन हो जाएगा। तीसरा इसका सीड्स अफेक्टिविटी वोट वन। कहते हैं कि बीटी कॉटन की जो अफेक्टिविटी या जो उसके प्रभाव जो है वो 120 डेज 120 दिन तक ही रहता है, और उसके बाद में क्या होता है कि सर्टेन जो इंसेक्ट हैं एलसीडी जीनस के, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा जीनस के, वो फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद में हायर कॉस्ट ऑफ सीड्स। फार्मर्स हैव टू परचेज सीड्स एवरी ईयर, सो इट इज़ वेरी कॉस्टली फिनोमिना बिकॉज कंपनीज हैव मेड सच टाइप ऑफ सिचुएशंस इन दीज सीड्स दैट दे कैन नॉट बी वाइबल और दे कैन नॉट बी सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। सो ये क्या, हर बार किसान को सीड, पहले तो किसान क्या करते थे, फसल काटी और थोड़े से बीज बचा के रख लेते, अगले साल यूज़ करते थे, लेकिन अब इनके अंदर क्या हो गया, अगले साल नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो बीज का जो वाइबिलिटी है, जो उनकी जीवन काल है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए किसानों के लिए बहुत महंगा पड़ता है। तो बीटी कॉटन के ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव करेक्टर्स दो इसके अंदर। ये इतनी है, सो दिस इज ऑल अबाउट माई टू डेज प्रेजेंटेशन। सो दिस इज अबाउट माई होल प्रेजेंटेशन एंड आई हैव डिस्कस टू टॉपिक्स। फर्स्ट इज द नैनो
टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड इज द बायोटेक्नोलॉजी। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर नैनो टेक में पूछे जाएंगे तो वो दो टाइप के ये पूछे जाएंगे कि नैनो टाइप का साइज क्या है, वो है 10^-9 मीटर, 10^-9 मीटर। और दूसरा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें प्रिलिम्स के अंदर, तो ये पूछा जाता है कि कौन सी साइज इंक्लूड की जाती है, तो वो होती है 1 से 100 मीटर तक साइज। तीसरा क्वेश्चन अगर नैनो टेक में पूछा जाएगा तो वो लेटेस्ट रिसर्च के ऊपर पूछा जाएगा, जैसे एक तो लेटेस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वो कलकत्ता के अंदर हुई है, और एक चौथा हम ये हीमोस्टेट नाम से, जो मैं आपको कल की प्रेजेंटेशन में पूरा डायग्राम बताऊंगी कि हीमोस्टेट किस तरीके से ब्लड है क्लॉटिंग फैक्टर्स को एब्जॉर्व करके हमारे खून बहने को रोकता है, इंजरी को रोकता है, जो घाव से खून बहता है और एक ह्यूमन लाइफ सेव कर सकते हैं। अगर मेन्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जा सकता है कि नैनो टेक्नोलॉजी अभिशाप है, वरदान है, इस पर कमेंट्स लिखिए, तो आपको इसके फ़ायदे, आपको इसके नुकसान दोनों लिख के लास्ट में 3 लाइनें ये लिखनी है कि ऑन वन हैंड नैनो टेक्नोलॉजी इज बून फॉर अस, बट ऑन द अदर हैंड इट इज बेन, इट कैन बी बेन इफ इट गोज इन टू द रॉन्ग हैंड्स इन द पीपल, इट कैन सम डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी कम। एक हाथ में फायदा है, दूसरे में नुकसान है, और अगर गलत हाथों में चलेगी तो इसके कुछ ऐसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं दैट कैन वाइप आउट द एंटायर सिविलाइजेशन, पूरी सभ्यता को खत्म कर सकती है। सेकेंड, बीटी कॉटन जो टॉपिक हमने कवर किया है, तो बीटी कॉटन में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो पहला तो यही आता है कि बीटी का मतलब क्या है, वो है बेसिलस थुरिंजियनेसिस। सेकंड आ सकता है कि बीटी जो है वो कहाँ, कीड़ा कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा इंसेक्ट है, तो वो कौन सा है, पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव सॉइल बैक्टीरियम है। और फोर्थ क्वेश्चन अगर ये पूछा जा सकता है कि बीटी कॉटन इंडिया में कब इंट्रोड्यूस की गई थी, कब आई थी, तो 2002 में आई थी, जिसको सबसे पहले मॉन्सेंटो कंपनी ने बनाया था और उसके बाद में इसने मैको को दिया था, और मैको इसको लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है। और अगर मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ये आ सकता है कि बीटी के पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या इफेक्ट है, और नेगेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपका दो दो नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं तो वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे है, मतलब कि हमारी 90% जो कॉटन ग्रो कर रही हो बीटी कॉटन के रूप में, बीटी कपास के रूप में है, और सिर्फ 10% जो जंगली वेरायटी है, तो अगर नई कोई ऐसा वायरस आ गया, नया इन्फेक्शन आ गया, तो उसके अगेंस्ट हमें एक नई वेरायटी डेवलप करने में बहुत टाइम लग जाएगा और सारी की सारी क्रॉप खत्म हो जाएगी। सेकेंड ये पूछा जा सकता है कि इसमें हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, मतलब कि हमारी जो बीटी कॉटन की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, अगर वो किसी वीड मतलब खरपतवार में ट्रांसफर हो गई तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर। सो टूडेज प्रेजेंटेशन आई हैव फिनिश्ड हियर। इफ यू गाइज लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन विल बी ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पार्ट 2। थैंक यू सो मच।